दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी तक 70% फीस जो है पिछले 5 सालों में भर चुका है और हम मिडिल स्कूल जो मिडिल फैमिली के लोग हैं कहाँ तक, हमारे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप अराउंड लगाइए 35,000 हम 2 बच्चों का पे कर रहे हैं तो हम घर कैसे चलाएंगे। लाइट कट जाती है बताओ, फिर पीछे से बात हुई पानी बंद होता है क्या देकर, गर्मी इतनी हो रही है कि नमक कटौती ज्यादा हो रही है। ये भी मिरर खराब और इससे मिरर की हालत आप देख सकते हैं, लिफ्ट नंबर 7 लिफ्ट नंबर 8 दोनों लिफ्ट खराब है। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, गाड़ी से कन्वेंस कर सकते हैं और टाइम अपना खराब कर रहे हैं, कोई भी दवाई नहीं मिल रही है, बताइए क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का। बहुत जोखिम भरे रास्ते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। बेगमपुर बरवाला रोड हादसों का जो चर्चों में है अपना बेगमपुर बरवाला रोड बेहद ही गंभीरता का विषय। रात को लाइट चली जाती है, खाना बनाने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, भैया बिना लाइट के गुजारा है। 2 घंटे 3 घंटे के बाद 4 घंटे के लिए लाइट, 4-4 घंटे बिजली गुल रही है। हाँ कल तो भाई सारा दिन ऐसा है कि बस तेल निकल गया बात से मेरी, कोल्लू के अंदर तेल डालते ना सरसों के तो कम निकलता है लेकिन हमारा ज्यादा निकल गया बात। पानी की मेन समस्या है यहाँ पे, पानी आता नहीं है, रात को 3 बजे पानी आता है जिसको हम कोई भरता है नहीं भर पाता, रात को नींद खराब होती है, कोई बूढ़ा है घर में कोई जवान है सबको परेशानी होती है।